अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो यार बड़ा इंतजार रहता है पीएसएल के हर एडिशन का। रिटेंशन आ चुकी है, रिटेन जो करने थे वो कर लिए हैं तमाम टीमों ने, लेकिन वो कहते रहे कि मजा नहीं आया। यार मजा तो आया अगर आप एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। बरल जनाब, शर्जील को कराची ने छोड़ा, क्वेटा को क्वेटन नवाज को छोड़ दिया और कराची ने आमिर को छोड़ा, लेकिन बाबर ने अपने हथियारों को नहीं छोड़ा। साय मजू, हसीबुल्ला, जी हां मोहम्मद हारिस, टोहम कोहलर कैडमोर, एक बेहतरीन फाउंड है खुरम शहजाद, यानी कि बाबर आजम जो बेहतरीन प्लेयर रिटेन करवा सकते थे उन्होंने करवाए। रोमन पावर प्लाटिनियम भी रिटेन हुए पिशावर जख्मी के। सबसे जो बेहतरीन रिटेंशन लगी है वो लगी स्पेशली जनाब यहां पर पिशावर जलमी के। लाहौर कलंदर नो डाउट इतनी बुरी उनकी भी नहीं है, लेकिन राशिद खान का ये सीजन ना लगना ये लाहौर कलंदर के लिए दुश्वारियां पैदा करेगा। राशिद खान अवेलेबल नहीं होंगे लाहौर कलंदर को, इसी वजह से उनको सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया गया है। फखर जमान को बाहर कर दिया गया है, लेकिन फखर जमान को पिक किया जाएगा वाइल्ड कार्ड के जरिए। सबको पता है फखर जमान प्लाटिनियम में ही दोबारा पिक होंगे। क्वेटा काफी तगड़ा बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाएगा, जी आप देख लेना आमिर जब उनकी टीम में आएंगे। इसके अलावा कराची किंग्स एक नई लुक है कराची किंग की। जी हाँ, शुएब मलिक तो हैं, शान मसूद भी है, इरफान न्याजी भी हैं, एक डिफरेंट उनकी लुक इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन हसन अली का जाना, धानी का जाना, तो उनकी बॉलिंग भी कहीं ना कहीं तगड़ी है। नवाज कराची में जिस तरह जा रहे हैं तो उनका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन फिर भी बन सकता है। शर्जील अलग है, कराची छोड़ के आ चुके हैं, अब दोबारा कराची उनको पिक कर रहे तो वो तो समझ सकते बालातारी हो जाएगा। लेकिन तमाम टीमों ने जो अपने बेस्ट पॉसिबल प्लेयर रिटेन करने थे वो कर लिए। अब सीधा ड्राफ्ट भी जाने वाला है कि ड्राफ्ट में जाकर हमने करना क्या है। आपने भी अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है कि किस टीम ने बेहतरीन जो स्पेशली रिटेंशन किया, रिटेन किया प्लेयर्स, वो जरूर बताना है। मेरी नजर में जो मुझे लगता है कि पेशावर जलमी ने सबसे बेहतरीन प्लेयर्स अपने रिटेन किए विदाउट एनी ट्रेड, यानी कि ट्रेड किए बगैर उन्होंने अपने बेहतरीन प्लेयर्स रिटेन किए हैं और उनका इस मरतबा भी जो स्क्वाड है वो तगड़ा बनता हुआ नजर आएगा। अपडेट से चलेगी तो लाइक जरूर कर देना चैनल पर, पहली बार सब्सक्राइब प्लीज कर देना।